सारे फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये 7 से 8 दिन के अंदर में 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। हाँ वह मूवी से कोई मूवी नहीं है, शाहरुख खान जैसे रोल एकदम कड़ा है, सबका रोल अच्छा है या बेटा का? सबका रोल अच्छा है, जिसने शाहरुख खान को ढाल दीजिएगा वो बेस्ट रहता है। मालिक नहीं, हम यहाँ के नौकर हैं। बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही फाड़ मूवी है, मैं सेकंड टाइम देखने आया हूँ, अच्छा लगा इसलिए आया हूँ। एक डायलॉग बोलूंगा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। संगीत रिकॉर्ड टूटेगा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। एक्शन मिलेगा, सीन बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छी मूवी थी। 10/10 में देना चाहूंगा। शाहरुख खान का बहुत अच्छा डबल रोल में और अच्छा लगा, वो सीन था यार बहुत ज्यादा वो मस्त वाला। आदाब दोस्तों, मैं कामरान, आप देख रहे हैं K40 न्यूज। अभी हम पटना में हैं, पटवान रिजेंट थिएटर में। अभी जवान का शो लगा हुआ, पब्लिक जो है अभी जवान का शो देख कर आ रहे हैं। इस मूवी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, युवाओं को क्या मैसेज दिया गया इस मूवी के जरिए, क्या लोग जितना इसका ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या शाहरुख खान की मूवी रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जहाँ तक बात कही जाए तो मुझे लगता है कि अभी के इतिहास का सबसे बेहतरीन मूवी है। आज तक मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी मूवी है जिसमें समाज को अवेयर करने का कोई काम किया गया इस तरीके से जो पठान में किया गया है। मतलब समाज के जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उस पर काम करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। और बहुत ही बेबाकी से सत्ता से सवाल किया गया है, सत्ता को क्या काम करना चाहिए, उस सब मुद्दे पर ये मूवी बेस्ड है। तो ये मूवी देने का काम किया बिल्कुल, बहुत ही तो पिछली वाली मूवी आई पठान, अब आई है जवान, क्या पिछली वाली मूवी का शाहरुख खान रिकॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ देगी और तोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि उस बहुत चीज़ें उससे डिफरेंट है। इसमें तो समझिए कि मतलब आज तक ऐसा इतिहास में नहीं देखा हूँ कोई डायलॉग कोई सीन। अब चूंकि मैं अभी मूवी देखा नहीं हूँ, मैं रात में देखूंगा, और 10:15 का मैं टिकट किया हूँ, मैं रात में देखूंगा तो फिर ज़्यादा बता पाऊँगा। चलिए, क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर, कैसी है मूवी? अभी हम देखे नहीं है, क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर? क्या चीज़ बोले बताइए, मूवी को लेकर क्या? मूवी ठीक है, हाउस जा रहा है, मूवी अच्छा है, अच्छा चल रहा है। हाँ, आप इस थिएटर के ऑनर है, मालिक? नहीं नहीं, मालिक नहीं, हम यहाँ के नौकर हैं जी। कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है? परफॉर्मेंस ठीक है, बुकिंग क्या जैसे हाउसफुल है तो हाउसफुल है, अनकट टूटेगा का हमने देखा है। कैसा लगा, क्या हमको तो ठीक लगा मूवी, अच्छा लगा। हाँ, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं, देखिए। कुछ ट्रेलर वगैरह आपने कुछ देखा होगा? नहीं, ट्रेलर आइडिया इसने देखा। हाँ, ट्रेलर देखे हैं। क्या लगा उसमें कि क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बेसिकली हमको जहाँ तक लगता है कि कोई किसान का स्टोरी है, मतलब किसान को कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी तो पूरा मूवी देखने के बाद ही समझ रहे हैं। जवान जो है पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, शायद तोड़ देगी, तोड़ देगी, बिल्कुल तोड़ देगी। युवाओं में इसको लेकर कितना? बहुत ज़्यादा क्रेज है, मैं तो रिव्यूज देख के आया हूँ, मुझे लगता है कि सब लोग ने अच्छा बोला है, तो हमको लगता है तोड़ देगी रिकॉर्ड, ये ब्लॉकबस्टर होगी। क्या युवा, अच्छा उसमें दो रोल, एक बाप का रोल एक बेटा का रोल, तो ट्रेलर में क्या लगा कि कौन एक्साइटेड होने वाला है? हमको लगता है बाप का जो रोल है वो ज्यादा एक्साइटमेंट देगा, लोग को हाइप क्रिएट किए हुए हैं। चलिए, क्या कहेंगे मूवी के बारे में? जाएंगे भाई देखेंगे, अभी तब ना, अभी देखने वाले हैं। हाँ, ट्रेलर तो बहुत जबरदस्त था, उस ट्रेलर में क्या मैसेज देने? बहुत पठान की तरह कोई मूवी नहीं आने वाला, सबसे आला दर्जा मारते हैं। कितना रेटिंग देंगे इसको? रेटिंग इसको 5/5 मिलेगा। क्या लगता है कितना अर्न कर पाएगी, क्या बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ कर पाएगी? 7 करोड़ 7 दिन के अंदर में निकाल लेगा। क्या कहेंगे? ये सारे फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये 7 से 8 दिन के अंदर में 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। हाँ वह आराम से, या एकदम 100%, वो भी इन 10 डेज। ट्रेलर आपने देखा, क्या लगा? क्या ये मूवी से कोई मूवी नहीं है, शाहरुख खान जैसे रोल एकदम कड़ा है, शाहरुख खान इसका इसमें रोल है, देख लीजिए आप, इसके तरह का रोल अच्छा है या बेटा का? सबका रोल अच्छा है, जिसने शाहरुख खान को ढाल दीजिएगा वो बेस्ट हो जाता है। चलिए, ठीक है, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा। क्या लगी खास बात, क्या कहेंगे? बहुत मस्त है, बहुत मतलब पैसा। क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में, जवान के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी मूवी है। क्या लगा खास बात? बेसिकली ये पॉलिटिकल और ये जो हमारे देश में जो व्यवस्था है उसके ऊपर फिल्माया गया है, और देखकर बहुत अच्छा लगा। और इस फिल्म से थोड़ा सीख लेना चाहिए जनता को कि इस तरह के जो ये जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? हंसू झक्कास, बहुत में क्या लगा, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? बहुत क्या था इस मूवी, कैसा लगा, कैसा लगा है मूवी, क्या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस बारे, कैसा था? बहुत ही फाड़ मूवी है, मैं सेकंड टाइम देखने आया हूँ, अच्छा लगा इसलिए आया हूँ, दूसरी बार देख रहा हूँ। 5/5 में कितना लगा, क्या फाड़ू मूवी है, मतलब ये हमको लगता है कि जो रिकॉर्ड बनाएगी वो कभी ब्रेक हो नहीं पाएगा। अच्छा लगा यार बेटे का, दोनों का रोल फाड़ू है। भैया शाहरुख का फिल्म, एक डायलॉग बोलूंगा, एक डायलॉग बोलूंगा,
बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। समीर मान कहते हैं क्या? रेडी क्या कहेंगे? कौन सा डायलॉग है? दूसरी बार आ रहे हैं, इससे अच्छी मूवी बनी नहीं है। क्या लगता है बनेगी आगे? बन सकती है, शाहरुख खान ही बनाएंगे। 10 में से 100 अर्निंग 600 करोड़ 700 करोड़ कुछ भी हो सकती है। जरूर पठान का रिकॉर्ड टूटेगा। इंडिया में 600-700 करोड़, वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ हो जाए। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई इस मूवी में? सरकार के खिलाफ जो सरकार में कमियां हैं उनको सामने लाया गया इसके खिलाफ, इसके द्वारा। और कुछ बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? जवान के बारे में क्या कहेंगे? क्या कौन सा रोल अच्छा लगा? जवान बाप सब बवान। क्या लगता है क्या कुछ कर पाएगी मूवी? क्या मैसेज देने की कोशिश? मूवी तो बहुत फाड़ू है। क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त मूवी। इमोशन और आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसा नेता लोग राजनीति कर रहा उस पर बनाया गया है, प्लस जनता को जो मूवी में चाहिए सब कुछ मजा मिलेगा। एक्शन मिलेगा, इमोशन मिलेगा, मतलब एक एक जो मतलब कहते हैं ना बोरियत, 3 घंटे में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि मूवी आपको बोर कर रहा है। हर एक मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन हर एक कुछ मिनट पे आ रहा है, कुछ ऐसा पत्ते खुल रहे हैं जो जोड़ के रख रहा है। बहुत ही बढ़िया मूवी। रेटिंग दे सकते हैं? 10 out of 10। कितना इनकम कर पाएगी? आप तो देख ही रहे, डाटा 2 दिन में 200 करोड़ के आसपास है, लगभग ये 1000 करोड़ के ऊपर जाएगी। क्या कहेंगे पठान के बारे में? क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मीडिया क्या कहेंगे पठान को लेकर? पठान अच्छी मूवी थी। क्या लगा? क्या मैसेज देने की कोशिश? जी उन्होंने जो बोला उंगली का इस्तेमाल करे वो बहुत अच्छा था, एकदम जबरदस्त डायलॉग। क्या समझते हैं आप? बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त डायलॉग था, समाज को बहुत अच्छा मैसेज दिया गया इसमें, तो बहुत अच्छा। शाहरुख खान और उसकी मूवी को कितना रेटिंग देंगे? मैं क्रिटिक्स रहता तो जिस हिसाब से मूवी की भी रेटिंग चल रही है, मेरे हिसाब से 7.5 रहेगी और 10 के बीच में रहेगी। कैसा लगा? अच्छा फिल्म है। क्या लगा? बाप का रोल अच्छा लगा, बेटा का रोल अच्छा लगा? सारा ही रोल अच्छा है, दोनों ही रोल। क्या लगा? कितना रेटिंग देंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी मूवी थी, 10/10 मैं देना चाहूंगा। 10। क्या लगता है अर्निंग वगैरह क्या होगा? बहुत ज्यादा अर्निंग का मैसेज बहुत टाइप का दिया, एक पॉलिटिकल टाइप का भी दिया गया, बहुत रियलिटी को हिट किया गया है, ये बहुत ज्यादा ही रियलिटी को, अभी का भी दिखाया गया बहुत सा कुछ सिचुएशन, जैसे जो गलत होता है कुछ गरीबों के साथ, किसानों के साथ, वो भी बताया गया इसमें। पठान से अच्छी मूवी है जवान? नहीं, पठान तो मैं नहीं देखा था, बस जवान देखो फर्स्ट टाइम। अच्छा, बहुत बढ़िया मूवी लगी मुझे, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मूवी। क्या बोलेंगे आप? शाहरुख खान का बहुत अच्छा डबल रोल में, और अच्छा लगा इससे बाप और बेटा वाला रोल। हाँ। तो कौन वाला रोल अच्छा लगा? दोनों का, ज्यादा बाप का अच्छा लग गया। कैसा लगा मूवी? बहुत मस्त। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? मूवी तो बहुत ज्यादा ही मस्त लगा है, सारा कंटेंट वगैरह, शाहरुख खान का एक्टिंग वगैरह और सारे एक्टर्स का भी एक्टिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त था, ब्लॉकबस्टर मूवी कह सकते हैं। सीन कोई एक्शन, कोई मेमोरी, कुछ ऐसा? ऐसा एक समय आता जब शाहरुख खान राठौर वाला, विक्रम राठौर वाला सीन था यार, बहुत ज्यादा वो मस्त वाला सीन था जब उनका एंट्री होता है। कितना अर्न कर पाएगी? 500+। इंडिया में बहुत ज्यादा। तो फाइनली हमने इस जवान मूवी का रिव्यू किया, अलग अलग लोगों से बात की, ऑडियंस से बात की, हर लोगों का अपना अपना एक मकसद, एक नज़रिया था इस मूवी को देखने का, और हर लोगों की अपनी अपनी एक एक्सपेक्टेशन थी, और लोग जो हैं इनसे इंस्पायर पॉलिटिशियन का भी जिक्र किया गया। सो ओवरऑल मूवी में तमाम चीज़ें, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो आप देख रहे थे K4U न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।